हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो जिसका इंतजार था वो हो गया है, संशोधित विज्ञापन की सूचना आ गया है, यानी विज्ञापन में क्या संशोधन हुआ है उसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या संशोधन हुआ है। आवश्यक सूचना संशोधित, कार्यालय जिला शिक्षा अधीक्षक रामगढ़। देखिए आगे, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची द्वारा LPA संख्या 203/2022 एवं अन्य संबद्ध तथा सादृश वादों में पारित नए आदेश के अनुपालन के क्रम में विभागीय संकल्प संख्या 283 दिनांक 28/2/2024 के द्वारा काउंसिलिंग हेतु सिद्धांतों का निरूपण एवं कंडिका 13 में शर्तों का निर्धारण किया गया है तथा संकल्प की कंडिका 14 के आलोक में निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड रांची के पत्रांक 771 दिनांक 13/6/2024 एवं 786 दिनांक 19/6/2024 के निर्देशानुसार काउंसिलिंग हेतु दावा आवेदन जमा करने की तिथि, स्क्रूटनी की तिथि एवं काउंसिलिंग की तिथि निम्नवत रूप से निर्धारित की जाती है। तो इससे पहले इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानना चाहते हैं कि रामगढ़ जिला का वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें आपका कट ऑफ और ये रिक्ति पारा गैर पारा कैटेगरी वाइज टोटल दिया हुआ है। आप वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा किस कैटेगरी में क्या है। तो चलिए संशोधित विज्ञापन में आगे बढ़ते हैं। इंटर स्तरीय कोटिवार पारा एवं गैर पारा तथा स्नातक स्तरीय कोटिवार एवं विषयवार पारा एवं गैर पारा पदों पर नियुक्ति हेतु जिले द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 4/2015 एवं 3/2015 जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय रामगढ़ के क्रम में पूर्व की अंतिम काउंसिलिंग के पश्चात अवशेष रिक्त पदों पर नियुक्ति निमित्त अंतिम काउंसिलिंग हेतु आवश्यक सूचना के प्रकाशन की तिथि 20/6/2024 को प्रकाशन हुआ था। इसका आपके द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन के आलोक में पूर्व में समर्पित आवेदन के क्रम में पारा और गैर पारा कोटि जिसके लिए भी उनके द्वारा आवेदन किया गया हो, दोनों कोटि में अलग अलग आवेदन किया गया हो तो अलग अलग साइज स्पीड पोस्ट निबंधित डाक की छाया प्रति सहित दावा आवेदन की तिथि, दावा आवेदन करने की तिथि 22/6/2024 से 22/7/2024 तक, दिनांक 22/7/2024 के पश्चात दावा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए ये दिया हुआ PR 327024 डिस्ट्रिक्ट 2024-25D डेटेड 22/6/2024 का यहाँ का विज्ञापन जो निकाला था रामगढ़ जिला उसमें संशोधन किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, और आगे हम लोग जाने से पहले डिटेल थोड़ा सा जानते हैं कि 2400 जिला का सब लोड हो चुका है, अपलोड हो चुका है। देखिए 24 जिला में 18 जिला का रिक्ति सहित है, बाकी 6 जिला का रिक्ति सहित नहीं है। अभी भी मैं लगा हुआ हूँ, जैसे ही उपलब्ध हो जाए उसको अपलोड कर दूंगा, लेकिन विज्ञापन सबका अपलोड हो गया है। तो चलिए उसको देख लीजिए, सबका पूरे जिला का एक मास्टर डाटा बना लिया हूँ, उसके टोटल जितना रिक्ति है उसको अपलोड कर दूंगा, एकदम एक आध दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो तुरंत पता चल जाएगा। अब आगे देखिए, निदेशक प्राथमिक शिक्षा झारखंड रांची के पत्रांक 363 विधि दिनांक 11/7/2024 में, इसका भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, देख लीजिएगा। निदेशालय पत्रांक 786 दिनांक 19/6/2024 की कंडिका 2 में अंकित शर्तों को संशोधित करते हुए आवेदक द्वारा दावा आवेदन समर्पित करने के क्रम में साइज के रूप में स्पीड पोस्ट निबंधित डाक की छाया प्रति अनुपलब्धता की स्थिति में आवेदक अपने दावा आवेदन के साथ पूर्व में आवेदन किए गए संबंधी आशय का शपथ पत्र संलग्न करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो विज्ञापन में बोला गया था कि आप उस समय भरे थे वो स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक की छाया प्रति आपको लगाना जरूरी है, इसको शिथिल कर दिया गया है, ये अब जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बदले आपको शपथ पत्र देना जरूरी है और आवेदन के साथ। इसी में एक मेरा वीडियो में कमेंट किया था, कोई नाम नहीं लूँगा, कि जब 15 में ही जमा होगा तो फिर आवेदन काहे देना है। तो आप
जो शपथ पत्र दीजिएगा वैसे ही आवेदन दीजिएगा ना, आपको देना है आवेदन वहाँ दे दीजिए, वैसे ही भर के देना है और उसी के अनुसार वो निकाल के अपना आपको नियुक्ति प्रक्रिया कर लेंगे DSC से। इसलिए आपको देना है उसके साथ, एप्लीकेशन बना के नहीं दीजिएगा, शपथ पत्र उसके बाद फिर डिटेल तो आपको देना ही होगा। ठीक है, चलिए शपथ पत्र में आवेदक का नाम कुछ नहीं, शपथ पत्र में नाम लिखिए, पिता का नाम लिखिए, अस्थाई पता लिखिए, ठीक है, और कोटी लिखिए किसके कोटी में है, OBC आदिवासी आदिवासी नहीं हुआ तो है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग 1-2 और अनरिजर्व या जनरल जैसे है वही कोटि हुआ। पत्रांक 760 दिनांक 19/6/24 द्वारा प्रकाशित आवश्यक सूचना को इस हद तक संशोधित किया जाता है, मतलब उसमें जो पहले जो विज्ञापन निकला था उसमें बस यही संशोधन, बाकी सब चीज़ सेम का सेम रहेगा, जैसे रहेगा शेष सभी यथा होता रहता है। इसलिए वीडियो देखते रहिए और नया नया अपडेट डालते रहूँगा और मास्टर डाटा तुरंत डाल रहा हूँ, रांची जिला का भी पूरा मास्टर डाटा डालूंगा, देखते रहिए वीडियो। जय हिंद, जय भारत।